दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जो नया 500 रुपए का नोट आया है मार्केट में, तो वो कैसा दिखता है। 2000 रुपए के तो काफ़ी वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं और आपने देखा भी है, तो ये जो 500 रुपए का नोट है ये कैसा दिखता है ये आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए आप, इसमें डार्क ग्रे जैसा कलर है और ये गांधी जी की तस्वीर है और ये ग्रीन कलर से इसमें 500 रुपए लिखा हुआ है। देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, US डॉलर जैसा ही है। मटेरियल भी इसका काफ़ी अच्छा है, पीछे आप देख सकते हैं इसमें ये लाल किले की फोटो बनी है। ऑटो फोकस करते हैं, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें लाल किले की तस्वीर है, ये गांधी जी और ये स्वच्छ भारत का जो लोगो है वो है, 500 रुपये लिखा हुआ है। और इसकी डिज़ाइन जो है काफ़ी स्लीक है, जो कि वॉलेट में काफ़ी अच्छे से फिट आ जाता है। पहले की तरह इसका जो चौड़ा नोट नहीं, जैसे कि अगर आप इसको 100 रुपीज़ के जो पहले नोट आए करते थे, देख सकते हैं हम कितने ब्रॉड होते थे, जो कि वॉलेट में निकले रहते थे। इसका साइज़ जो है काफ़ी स्लीक है, थोड़ा सा पतला रखा है उन्होंने, क्योंकि देखिए आप, ये थोड़ा सा साइज़ में छोटा है नोट और देखने में काफ़ी अच्छा है। इसके काफ़ी टेस्ट आप देख पाएंगे आगे, इसका पेपर बहुत अच्छा है जैसे कि आपने देखा है इसके कई रिव्यूज़ में। और जो नोट है वो मार्केट में आ चुका है, कुछ ऐसा दिखता है और आप इसको जल्दी ही यूज़ कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है 3 शेरों का, इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का डॉट बना हुआ है और ये डॉट जो है बेसिकली इसका पर्पज़ शायद इसकी स्कैनिंग रोकना है, इसको कॉपी ना कर सकें आप, इसके लिए ये डॉट बना हुआ है। ये पीछे की तरफ, ये सामने की तरफ आप इस डॉट को देख सकते हैं, तो ये जो डॉट है इसकी कॉपी रोकने के लिए बना हुआ है। और इस तरह जो हमारा 500 का नोट जो है अब प्रचलन में आ चुका है, ये जल्दी ही आपके आपको देखने मिल सकता है। और दोस्तों, इस अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कुछ और सवाल हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं इस नोट के बारे में, और अगर कुछ और देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.